थाना गुराया इलाके च बनता जा रहा जंगल राज, नशियां दी भरमार कारण लोग असुरक्षित। नशियां दी गैंगा कारण रोजाना हो रहे हमले, इलाके च बढ़ रहा दहशत का माहौल, लोग घरां ते दुकानां च भी खौफ की जिंदगी जीण लई मजबूर। ये जो वीडियो तुसी देख रहे हो, मामला विधानसभा हलका फिलौर के पिंड दुसांझ कलां दा है, जिथे कि बीती रात हमलावारा ने एक दुकानदार ते हमला करके गंभीर रूप में जख्मी कर दिता। जख्मी जलंधर के हस्पताल में इलाज अधीन है। गुस्से में आए दुकानदार भाईचारे वालों अज दुकाना बंद करके बस अड्डे में रोस प्रदर्शन किया। जख्मी गौरव उर्फ गोरा के पिता मलकीत राम वासी लादियां ने फोन पर दसिया कि गौरव बहुत सीरियस है, जिसके डूंगे जख्म ते अज उसका ऑपरेशन होना है। दुकानदार भाईचारे ने कहा कि जेकर दो दिन दोषियों को ना फड़िया तो वह तिखा संघर्ष करनगे। जो अज का रोस प्रताप सिर्फ इतने अज का अंडेरे जे साडा बंदा ठीक हो जाता पर पुलिस अगली कार्रवाई नहीं करती तो अगला ज्यादा जो प्रोटेस्ट होगा असी सारे दुकानदार इकट्ठे होकर चौंकी घेरेंगे। चौंकी घेरनी उस तो बाद सू ग्राया या DSP के या SSP के भी जाना पे तो जरूर जावे, पर यह जी दस के बावजूद भी इन्नी ढिलमिट हुई है ना, ये पुलिस की बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि कल किसी भी ये हैपन हो सकता है। फिर उसकी शोटी की है, जे असी ये कैमरे लवाए हुआ पुलिस वाले के कहने भी कैमरे लगे हुआ भी चलो ये साड़ी एक सहायता हो जाऊगी, पर ये कैमरे बचा थोड़ा सकते हैं, बचा तो पुलिस ने है जी असं उन्होंने दस दें अपनी जी गलबात रखते हैं। जे पुलिस दसन के बावजूद भी ये काम नहीं करती तो उन्होंने बहुत नलायकी है, वही प्रशासन की नलायकी है। ये यह रोस मुजहरा अज का सिर्फ इन्ना ही सगा भी असं उन्होंने दसना चाहते थी, अगर उन्होंने दोषियों ने सिर्फ कार्रवाई ना ही की तो जरा अगला प्रोटेस्ट होगा असं रोड जाम करा तो असी SSP DSP सीधे भी जाना पैसा जरूर जावे। हाँ जी सर, साडा रोस जिहड़ा आ सब तो मेन चीज़ यह आ कि दुकानदारा का अच्छा अड्डा बंद गए इकट्ठे होने का यह आ कि साढ़े अगे भी दुकाना के उत्ते एक बार हमला हो चुका, उदो भी असी बड़ा प्रोटेस्ट किया सब कुछ किया पर फिर भी उस चीज़ का कोई हल नहीं होया। हुण उस चीज़ को असी रोकना चाहते थे पर अज दूजा हमला जिहड़ा साडा इत्थे आ मलकीत अंकल हुणी मोटरसाइकलों का काम करते रिपेयर का, उन्होंने दुकान पर हमला होया, उन्होंने मुंडे काफ़ी जख्मी कर गए तेज धार हथियारों के नाल, जबकि उन्होंने 3 दिन पहला कंप्लेट दिती हो सी कि हाँ जी साढ़े इधर एक प्रॉब्लम है ना, 3 दिन कंप्लेट देने के बावजूद भी जे काम कर जाते हैं तो फिर तो बहुत माड़ी गल है। कल कोई साड़ी दुकाना वाले की श्योरिटी है कि साड़ी असी जिते व्यापार कर रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं तो सानू की रखिया की कर रहे साड़ी वो, जे असी पुलिस को फोन भी करते हैं पुलिस कहती भी सानू लिखती रूप से दो भी लिखती रूप से पहले तुम आगे उन्होंने वेरीफाई तो करो कि वो बंदे अड्डे जे घूमते पे गलत है या सही है, कि असी पहला धिर तुम सू बनाओ जे असी कोई कोई गल यही हुई क्योंकि साढ़े असी कैमरे लवाए हुआ साढ़े अड्डे के कोई भी प्रॉब्लम होंगी असं पुलिस को इनफॉर्म करते कि साढ़े अड्डे के सू लगता कोई गलत अंसर घूम रहे हैं तो मूहरे सू जवाब यह आता जी कि पहला तुम लिखती रूज रिपोर्ट दो जब असी लिखती रूज रिपोर्ट देने जी और कार्रवाई करके चल जाए उही काम इतने हो गया। हम सब तो मेन चीज़ यही है जी असी इस चीज़ के बहुत ज़्यादा दूजे हो तंग हो चुके हैं क्योंकि सानू यह लगता कि जेडे बंदे वारदात करने वाले एक ही आ ठीक है पर फिर भी सानू बार बार उही बंदे साडे अड्डे ते हमला कर रहे उही बंदे साडे ते हमला कर रहे जां तां फिर उन्हां पिछे राजनीतिक कोई इहो जी पावर है जिहड़ी उन्हां नूं उत्साहित करके छडाउंदी आ जां कुछ करदी आ ते इह तां हुण जवाब पुलिस ही दे सकदी आ कि कारण आ। बाकी साडे दुकानदारां दा रोस तां इही आ कि किसी भी दुकान ते हमला हुंदा आ ते उहदी जिहड़ी जवाबदेही आ पुलिस दी जे दसण दे बावजूद भी हो जांदा उस तों बाद बाकी गल कोई नहीं।